उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2-3 दिन पूर्व सदन में वक्तव्य दिया था कि उत्तर प्रदेश में 46 में 56 यादव एसडीएम चुने गए, वो भी तब जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। और सदन में अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो सूची आप जो है सदन के पटल पर रख दीजिए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम इसको टेबल करेंगे। कल फिर योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भाषण दिया और पूरा झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया, लेकिन जो 56 एसडीएम की सूची थी उसको योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने टेबल नहीं की। सदन में झूठ बोलने की परंपरा चल रही है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक केवल झूठ बोलने और लूटने की परंपरा है, केवल उत्तर प्रदेश की जो देवतुल्य जनता उसे गुमराह करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी निर्वहन कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड में होटल और ऑस्ट्रेलिया में टापू की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप में नैतिकता हो, अगर आपने संविधान की कसम खाई है, शपथ लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको 56 एसडीएम की सूची पटल पर सदन के रखना चाहिए। आपको इंग्लैंड में होटल ऑस्ट्रेलिया में टापू जो आप भाषण दे रहे थे उसका प्रमाण देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश को लूट खसोट करने में आपकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। थाना, अस्पताल, तहसील, हर सरकारी विभाग लूट का अड्डा बन गए हैं। आपके मित्र अडानी ने देश की क्या दुर्दशा कर दी वो किसी से छुपी नहीं है। आपने जो अपने घोषणा पत्र में मुफ्त में सिलेंडर देने का वादा किया था, आज होली का त्योहार और 50 रुपया सिलेंडर आपने महंगा कर दिया। तो महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, लूट की मार, हत्या की मार, अराजकता की मार आपके नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश झेल रहा है। और आप और आपकी पूरी पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की महान जनता आपके इस झूठ का जवाब देगी और आपकी सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।